हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सरकार के खिलाफ युवा आक्रोश रैली 12 सितंबर को। गौरव यात्रा के दौरान सभा में मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने का मामला, जिला भर में विभिन्न संगठनों द्वारा भाजपा सरकार का जमकर विरोध किया जा रहा है। वहीं जिला मुख्यालय पर आयोजित मुख्यमंत्री की राजस्थान गौरव यात्रा की सभा का कुछ युवकों ने काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया था, जिन्हें बाड़मेर पुलिस ने शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था, जिसके विरोध में आगामी 12 सितंबर को युवा आक्रोश रैली निकाली जाएगी। आज मंगलवार शहर के चौटन चौराहे पर युवा नेता प्रवीण सिंह आगौर के नेतृत्व में आक्रोश रैली के पैम्फलेट्स का विमोचन किया गया। युवा नेता प्रवीण सिंह आगौर ने बताया कि गौरव यात्रा का लोकतांत्रिक तरीकों से विरोध करने वाले राजपूत, जाट और अन्य जातियों के युवाओं को शांति भंग के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और जमानत पर रिहा भी किया, लेकिन उन युवाओं पर राजकार्य बाधा का मुकदमा दर्ज कर बेवजह के जेल में ठूंस दिया गया। ये न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार और पुलिस द्वारा सांसद पर हमले के मामले में झूठा केस लगाकर राजपूत युवाओं को अंदर कर दिया। वहीं उन्होंने पत्रकार दुर्ग सिंह राजपुरोहित प्रकरण का हवाला देते हुए कहा कि सरकार झूठे मुकदमे पर फंसा कर युवाओं की आवाज दबाने में लगी है, जिसका बाड़मेर के सर्व समाज के युवा विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 12 सितंबर को निर्दोष युवाओं की गिरफ्तारी के विरोध में और राजस्थान सरकार के विरोध में युवाओं द्वारा युवा आक्रोश रैली निकाली जाएगी और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि रैली के दौरान अप्रिय घटना की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और राज्य सरकार की होगी। विमोचन के दौरान हुकुम सिंह हाथमा, गुमान सिंह महाबार, नरपत सिंह गेहूं, दलपत सिंह उंडखा, राम सिंह महाबार, नरेंद्र सिंह, रेवंत सिंह खारिया सहित कई युवा मौजूद थे। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।